हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है YouTube थंबनेल के बारे में। आज YouTube वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग YouTube थंबनेल है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोफेशनल YouTube थंबनेल मोबाइल से कैसे बनाएं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप आसानी से YouTube थंबनेल बनाना सीख जाएंगे। तो बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को देखें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम लोग पिक्सल लैब में आएंगे, फिर इसको डिलीट करने के बाद इमेज साइज में जाएंगे, यहाँ से YouTube थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग शेप वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से इसे सिलेक्ट करने के बाद अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। और फिर रोटेट वाले ऑप्शन में जाके इसे 4 डिग्री एंगल पर रोटेट कर देंगे। प्लस वाले आइकन में क्लिक करके इस PNG को ले लेंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। और रोटेट करने के लिए हम लोग रोटेट वाले ऑप्शन में जाएंगे, फिर इसे -4 डिग्री में रोटेट करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ क्लिक करके दोनों फोटो को लॉक कर देंगे। फिर प्लस वाले आइकन में जाएंगे, न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके एडिट करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे YouTube थंबनेल। इसके बाद स्टाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे, ब्राउज के ऑप्शन में सैंपल को ले लेंगे लास्ट वाला। उसके बाद इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम लोग 70 के करीब। उसके बाद हम लोग रोटेट वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसे भी -4 डिग्री में रोटेट कर देंगे। फिर हमें प्लस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर गैलरी से हमें ये PNG सिलेक्ट करना है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद इसे हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। और इसे रोटेट करने के लिए रोटेट वाले ऑप्शन में जाएंगे, और इसे भी 4 डिग्री में रोटेट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद दोनों फोटो को हमें यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोनों फोटो को लॉक कर देना है। उसके बाद फिर प्लस वाले ऑप्शन में जाना है, न्यू टेक्स्ट को लेना है। फिर यहाँ पे हम लोग को YouTube थंबनेल लिखना है और इसे ओके कर देना है। उसके बाद स्टाइल वाले ऑप्शन में जाना है, लास्ट वाले ऑप्शन को लेके इसके साइज को थोड़ा सा 70 के करीब हमें बढ़ाना है। उसके बाद कलर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करने के बाद इसे क्लिक करके यहाँ से कलर वाले ऑप्शन को चूज करके अपने हिसाब से जो आपको सही लगे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना है और अपने हिसाब से फॉन्ट चूज कर लेना है। उसके बाद 3D शैडो में जाना है और उसे इनेबल कर देना है। फिर इसे एडजस्ट करने के लिए हमें रोटेट वाले ऑप्शन में जाना है और इसे भी 4 डिग्री एंगल में रोटेट कर देना है, और फिर इसे अच्छे से मिडिल में एडजस्ट कर देना है। और फिर रिफ्लेक्शन वाले ऑप्शन में जा करके इसे इनेबल कर देना है और अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है। फिर इस वाले ऑप्शन में जाके इसे लॉक कर देना है। फिर प्लस का आइकन में जाके टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे हम लोग को हिंदी में बनाना सीखें ऐसा लिखना है, और ओके कर देना है। फिर स्टाइल वाले ऑप्शन में जाके लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है, और इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाके अपने मनपसंद फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसका कलर को चेंज करने के लिए हम लोग को कलर वाले ऑप्शन में जाना है, ग्रेडियंट या नॉन ग्रेडियंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैं यहाँ येलो कलर सिलेक्ट करूँगा। और इसे रोटेट करने के लिए फिर रोटेट वाले ऑप्शन में -4 डिग्री में इसे रोटेट कर दूँगा। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में जाके हम इसे भी लॉक कर देंगे। फिर 3D शैडो वाले ऑप्शन में जाके इसे इनेबल कर देंगे, और अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसके ओपेसिटी को कम कर देंगे। और फिर प्लस वाले आइकन में जाएंगे, टेक्स्ट को ऑप्शन को लेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग हिंदी से मोबाइल से सिर्फ लिखेंगे, और लिखने के बाद ओके कर देंगे। फिर स्टाइल वाले ऑप्शन में जाके नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, और अपने हिसाब से इसके साइज को सिलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा सा इसे बढ़ा देंगे। और इसको कलर करने के लिए कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, रेड कलर को सिंपल से हम लोग चूज कर लेंगे और ओके कर देंगे। और फिर इसे एडजस्ट करने के लिए रोटेट वाले ऑप्शन में जाएंगे, और इसे -4 डिग्री एंगल में रोटेट कर देंगे, और टिक वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे।
इसके बाद हम लोग 3D वाले टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और उसे इनेबल कर देंगे और अपने हिसाब से उसके डेप्थ को थोड़ा सा घटा देंगे और फिर हम लोग इन दोनों टेक्स्टों को लॉक कर देंगे। फिर प्लस वाला आइकन में जाएंगे, टेक्स्ट को लेंगे और इसे एडजस्ट कर देंगे और इसमें सिर्फ 5 लिखेंगे। फिर स्टाइल वाले ऑप्शन में जाके नीचे वाला सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके साइज को थोड़ा सा अपने हिसाब से बढ़ा लेंगे। फिर कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद रोटेट वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसे भी -4 डिग्री एंगल में रोटेट कर लेंगे। इसके बाद 3D शैडो में जाके हम इसे इनेबल कर देंगे और अपने हिसाब से इसके डेप्थ को घटा लेंगे और इसे एडजस्ट करने के बाद इसे भी लॉक कर लेंगे। फिर प्लस वाले आइकन में जाएंगे, न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन लेंगे, फिर यहाँ पे हिंदी में हम मिनट में लिखेंगे और फिर स्टाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे, नीचे वाला सेलेक्ट कर लेंगे और इसके कलर को रेड कर देंगे। फिर 3D वाले ऑप्शन में जाके इसे भी इनेबल कर देंगे और अपने हिसाब से इसका डेप्थ को घटा देंगे। फिर इसके साइज वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसका साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसे भी हम लोग जगह में लाएंगे। फिर रोटेट वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसे भी -4 डिग्री एंगल में रोटेट करके रख देंगे। प्लस वाले आइकन में जाएंगे, फ्रॉम गैलरी से इस वाले फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और इसे भी अपने साइज अनुसार सेट कर लेंगे और इसे भी रोटेट वाले ऑप्शन से -4 डिग्री रोटेट कर देंगे। फिर शैडो वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसे इनेबल कर देंगे और इसके एक्स को थोड़ा बढ़ा देंगे और वाई को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे अपने हिसाब से। फिर प्लस वाला आइकन में जाएंगे, यहाँ से दूसरा फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी अपने साइज अनुसार ले लेंगे और छोटा बड़ा कर देंगे। फिर शैडो वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसे इनेबल कर देंगे और इसके एक्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और वाई को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे और ओके कर देंगे। फिर इसे भी 4 डिग्री एंगल या 5 डिग्री एंगल में रोटेट कर देंगे। फिर दोनों फोटो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद दोनों फोटो को हम लोग लॉक कर देंगे। फिर प्लस वाला आइकन में जाएंगे, फ्रॉम गैलरी से ये वाला PNG हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसे एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद शैडो वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसे इनेबल कर देंगे। इस वाले ऑप्शन में जाके इसे भी लॉक कर देंगे। फिर प्लस वाले आइकन में फ्रॉम गैलरी से ये PNG को चूज़ कर लेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसे एडजस्ट कर लेंगे और फिर इसे कॉपी कर देंगे और फिर दोनों को थंबनेल के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। फिर इन दोनों फोटो को भी हम लोग को लॉक करना होगा। फिर प्लस वाले ऑप्शन में जाएंगे, आप अपने कटआउट को ले सकते हैं, मैंने विराट कोहली को चूज़ किया है। फिर इम्बोस वाले ऑप्शन में जाके इसे इनेबल कर देंगे और फिर अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल बन के कम्प्लीट हो गया है और इसे हम लोग अपने इमेज में सेव कर देंगे। थैंक यू।